सफलतम कहानी को भी कहने वाले उन सभी शोधार्थियों को जिन्होंने कुछ न कुछ नयापन करने का प्रयास किया है, उनके इस प्रयास की सराहना भी करता हूं। वास्तव में भारत के विकास की जो धुरी है वह गांव है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जितनी सुदृढ़ होगी, जितनी मजबूत होगी और जितनी आत्मनिर्भर होगी, उतना ही आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हमारा समाज, हमारा प्रदेश और हमारा देश प्राप्त कर पाएगा। उसी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए जब 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नीति आयोग ने देश के 112 विकास खंडों को जो आकांक्षात्मक थे, उन आकांक्षात्मक जनपदों को सामान्य विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए जनपदों के रूप में आगे बढ़ाने के एक अभियान को प्रारंभ किया था, उस समय नीति आयोग के सर्वे में उत्तर प्रदेश के भी 8 जनपद थे। वे 8 जनपद 4 नेपाल सीमा से सटे हुए जनपद थे, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। 4 अन्य जनपद थे चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट। ये तीनों भी हमारे बॉर्डर के जनपद हैं। और एक फतेहपुर। ये 8 जनपद देश के अंदर जो सबसे पिछड़े जनपद थे उनमें से थे। उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी जो ये 6 क्षेत्र थे, इनमें ये जनपद पीछे थे। स्वाभाविक रूप से कार्य इसमें प्रारंभ हुआ। कोरोना महामारी पूरे देश के लिए थी। उत्तर प्रदेश के जो जनपद जो 112 में से पिछड़ेपन में जो सबसे पीछे के जनपदों में से थे, कमोवेश 8 के 8 जनपद हमारे सबसे पीछे के जनपदों में थे, जहां शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी, स्वास्थ्य की सुविधा भी बहुत खराब थी, कृषि और जल संसाधन की स्थिति बहुत खराब थी, अन्य सभी क्षेत्रों में वह बहुत पीछे थे। जब एक टीम वर्क होता है सामूहिक रूप से, सभी ने मिलकर के अपने अपने क्षेत्र को कार्य प्रारंभ किया, सबसे पहली श्रेणी में था कि भी वहां पे मानव संसाधन पूरे हो। मानव संसाधन देने के बाद हर विभाग ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और उसके बाद कार्य प्रारंभ हुआ, उसकी नियमित मॉनिटरिंग प्रारंभ हुई। आज जब देश के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, आकांक्षात्मक जनपदों की रैंकिंग की बात आती है, तो टॉप 10 में जिन्होंने सबसे अच्छी प्रोग्रेस की है, उनमें से 5 उत्तर प्रदेश के जनपद आते हैं और टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी 8 जनपद आते हैं। यानी ये प्रोग्रेस उत्तर प्रदेश की थी। हम लोगों को उस समय लगा था कि ये एक अच्छा प्रयास है कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हमें आगे बढ़ाना है, तो हम लोगों ने फिर 100 विकास खंडों का चयन किया। इंडिकेटर वही थे, 5 क्षेत्र तय किए, नीति आयोग की टीम के साथ समन्वय बनाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आज हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने देश के अंदर ऐसे 500 विकास खंडों को टारगेट किया है। उत्तर प्रदेश पहले से ही इसमें 100 विकास खंडों पर कार्य प्रारंभ कर चुका है और इसमें से
इस बार जो एक नया प्रयोग हमने किया है कि 100 विकास खंडों के लिए 100 सीएम फेलोज को भी वहां तैनाती की गई, जो रियल टाइम डाटा को अपलोड कर सके और सही तथ्यों से अवगत करा करके हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करें। और इस देश से आज जब लगभग एक वर्ष अक्टूबर में आप लोगों का पूरा होगा, मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 5 क्षेत्र आपको दिए गए हैं जिन क्षेत्रों में आपको कार्य करना है, मुझे लगता है कि अलग से कोई फंड नहीं देना है, कोई फंड अलग से देने की आवश्यकता नहीं, फंड है पहले से विभाग के पास भी है, कर्मचारी भी वहां पर कमोवेश सभी विभागों के हैं, केवल कुछ कार्य जैसे एजुकेशन में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल के साथ स्कूल चलो अभियान चला है, संबंधित विकास खंड में हमारे सीएम फेलोज की ड्यूटी बनती है, वे जाकर के देखें, खंड विकास अधिकारी के साथ, खंड शिक्षा अधिकारी के साथ उस किसी दिन इन लोगों से खंड शिक्षा अधिकारी से कह करके कि इस विकास खंड के सभी प्रधानाचार्यों के साथ हम बैठना चाहते हैं और बैठकर किसी रविवार के दिन या जिस समय विद्यालय न चल रहा हो उसके बाद में जाकर के किसी विद्यालय में या किसी विकास खंड मुख्यालय पर यह बैठक हो सकती है और बैठक होकर के वहां पर उनके साथ बैठ करके उनसे कह करके कि स्कूल चलो अभियान में क्या हमने तय किया कि इस ग्राम पंचायत का कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए, इसके लिए हमारा प्रयास क्या हुआ, क्या शिक्षक और अभिभावक की बैठक करवाई, क्या शिक्षक गांव-गांव गांव के प्रत्येक घर में जाकर के उन्होंने घर में दस्तक दी कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं। अक्सर एक चीज सुनने को मिलेगी, अरे साहब हम गरीब हैं कैसे पढ़ाएंगे, उनको बताने की आवश्यकता है कि आप गरीब हैं तो क्या बच्चे को भी गरीब रखना चाहते हैं, शिक्षा फ्री, यूनिफॉर्म फ्री, बैग बुक्स फ्री, जूता मोजा फ्री, स्वेटर फ्री और मिड डे मील की व्यवस्था भी है, जब बताएंगे तो फिर उस बच्चे को स्वयं अपने साथ लेकर के स्कूल चले जाइए और फिर ड्यूटी लगाइए कि वो बच्चा घर में भी पहुंच जाए वापस, आदत डालेंगे, उसको अच्छा लगेगा वहां एक समूह के साथ खेलने में भी पढ़ने में भी, और फिर देखो कि उस विद्यालय की स्थिति क्या है, ऑपरेशन कायाकल्प बेसिक शिक्षा परिषद ने चलाया था, क्या उस विद्यालय में पढ़े हुए पुरातन छात्र हैं कि नहीं, क्या उनके साथ आप बैठ सकते हैं, शिक्षक उनके साथ बैठ सकते हैं, ऑपरेशन कायाकल्प में अगर अभी भी वो विद्यालय नहीं आया है तो उन पुरातन छात्रों को जगाइए, ग्राम पंचायत को जगाइए, फ्लोरिंग बन जाए, फर्नीचर की व्यवस्था हो, टॉयलेट बालक बालिकाओं के लिए अलग से बन जाए, ये सुविधाएं अगर हम देते हैं वहां पर स्वयं उनके सहयोग से करते हैं, उसके लिए उन लोगों को स्वयं भी इसके लिए तैयार करना है, तो ये अभियान पहले से चल रहा है, हमें इसमें सहभागी बनकर केवल मॉनिटर करना है कि कितने गांवों में स्कूल चलो अभियान चला और एक भी बच्चा उस विकास खंड के किसी भी गांव में ऐसा नहीं जिन्होंने स्कूल जाने से जो वंचित रह गया हो, या कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जिसने पांचवी पास बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, बीच का मतलब तीसरी से चौथी में गया अब स्कूल नहीं जा रहा है, बच्चे का मन नहीं लग रहा है, उसके मन को लगाना है, क्योंकि स्वतंत्रता तो सबको अच्छी लगती है लेकिन उसको अभी से शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप ऐसे होंगे जो बच्चे को चाहते होंगे कि चलिए स्कूल ना जाए तो कौन, एक ये भी जो है बहुत सारे लोगों के मन की एक धारणा होती है, लेकिन हमें उसको प्रेरित करना है कि नहीं किसी भी स्थिति में स्कूल जाना है, स्कूल चलो ले जाओ, उसके लिए एक प्रेरक के रूप में
शिक्षक को तैयार होना होगा, अभिभावकों को तैयार होना होगा और उसके पीछे आपका योगदान बन सकता है। अक्सर होता है बालिकाएं बीच में स्कूल छोड़ देती, पांचवीं पास किया उसके बाद स्कूल नहीं गए, अब पांचवीं पास करके स्कूल नहीं गए तो नहीं जा सकती, आपको देखना होगा। हमने बालिकाओं के लिए कुछ व्यवस्थाएं दी है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म लेने पर, बेटी के विद्यालय में प्रवेश करने पर, बेटी के छठी क्लास में जाने पर, बेटी के नौवीं क्लास में जाने पर, हाई स्कूल की परीक्षा पास होने के बाद आगे कोई भी आईटीआई या कोई सर्टिफिकेट कोर्स या कोई डिप्लोमा कोर्स या आगे जो भी कार्य किसी उससे जुड़ना चाहती है, इसके लिए भी व्यवस्था दी गई है। हम ये भी पूछ सकते हैं, क्या ये बेटियां स्कूल क्यों नहीं जा रही हैं? क्या स्कूल में कोई दुर्व्यवहार तो नहीं करता है? क्या ऐसा तो नहीं कोई भेदभाव होता है? ऐसा तो नहीं कि उसके पास अन्य कोई संसाधनों का अभाव है? तो फिर कन्या सुमंगला योजना की राशि उस बेटी को क्यों नहीं मिल पा रही है? इसके लिए भी आप अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं, शासन की इस स्कीम का लाभ देना। आंगनबाड़ी कितनी सक्रिय है, आंगनबाड़ी में बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, प्री प्राइमरी के रूप में हम उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसमें भी गांव गांव जाकर के हम इस कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं और लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। बच्चे बीच में स्कूल तो नहीं छोड़ रहे हैं, बालिकाएं स्कूल जो छोड़ने वाली है उनको बोलो कि स्कूल आप जाएंगे तो आपको ये कन्या सुमंगला योजना की इतनी राशि मिलेगी स्कॉलरशिप के रूप में, एक पूंजी हो जाएगी उसके पास, अच्छी खासी पूंजी हो सकती है, उसको बताइए, इसके बारे में बताना पड़ेगा। ये एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसको हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित करने का कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचारी रोग उन्मूलन के लिए सरकार के साल में 3 बार कार्यक्रम चलते हैं, 3 कार्यक्रम 3 बार चलते हैं, हर 4 महीने में 1 बार कार्यक्रम चलता है। इसमें याद रखना, संचारी रोग के उन्मूलन का सबसे पहला सूत्र है स्वच्छता। गांव में स्वच्छता है कि नहीं है? नहीं है तो स्वच्छता कर्मी क्या कर रहा है, सफाई कर्मचारी क्या कर रहा है? अगर वह भी नहीं है तो हम गांव के लोगों को तो बोल ही सकते हैं, ग्राम प्रधान को भी बोल ही सकते हैं, ग्राम प्रधान के पास भी निधि है, या गांव के लोगों की बैठक भी कर सकते हैं कि भाई बीमारी आएगी तो गांव के लोग ही तो चपेट में आएंगे, क्या गांव के लोग सभी मिलकर के अपने गांव को साफ नहीं कर सकते? लोगों के मन में भाव पैदा होना चाहिए, उसे एक जन आंदोलन का रूप लेना चाहिए, प्लास्टिक नहीं उपयोग करना चाहिए, शादी ब्याह में कप गिलास प्लेट थर्माकोल इन सभी को प्लास्टिक हो या थर्माकोल है इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, पत्तल का उपयोग करें या फिर जो परंपरागत बर्तन है उनका उपयोग करें। अगर हम पहले स्वच्छता के बारे में लोगों को बोलें, दूसरा सरकार का ट्यूबरक्लोसिस उन्मूलन का एक बृहद कार्यक्रम चल रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक देश को टीबी से मुक्त करने के एक बड़े अभियान को लिया है, फ्री में उपचार है और जो चिन्हित टीबी पेशेंट है हर गांव में बोले ना ग्राम प्रधान को या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल के शिक्षक को या किसी अन्य व्यक्ति को कि भाई ये ट्यूबरक्लोसिस का कोई व्यक्ति है पहले तो उसकी जांच कराना, और अगर वह व्यक्ति है उस व्यक्ति को चिन्हित करके हॉस्पिटल में ले जाना, हॉस्पिटल में फिर उसको दवा भी दिलवाना, नियमित रूप से दवा ले, इसके सेवन के लिए उसको प्रेरित करना और सरकार उसके लिए पैसे की व्यवस्था भी करती है, हर महीने उसको एक निश्चित राशि भी मिलती है जिससे वो कोई पौष्टिक आहार खा सके। इसकी व्यवस्था के लिए हम एक बड़ा कार्यक्रम चला सकते हैं, आप घोषणा कर सकते हैं कि मेरा विकास खंड ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त हो गया है, एक समय के बाद आप इस बात की घोषणा आपका विकास खंड कर सकता है, आप कह सकते हैं कि मेरे विकास खंड में 100% बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे विकास खंड में 100% बच्चे हर स्कूल ऐसे हैं जो ऑपरेशन कायाकल्प में आच्छादित हो चुके हैं और विद्यालयों को हमने ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर पूरी व्यवस्था के साथ जोड़ दिया है।
ऐसे ही किसानों के लिए भी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं किसानों से जुड़े हुए, जो वहां पर कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारी होंगे उनके साथ बैठने की आवश्यकता, उनके साथ बात करनी चाहिए भाई क्या क्या स्कीम है आपकी, बताइए क्या कर रहे हैं, किसान इसके सीधे लाभ कैसे ले रहा है, कैसे इसका लाभ ले सकता है, किसान सम्मान निधि में किसान वास्तव में पात्र है तो उसको किस निधि का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। किसान सम्मान निधि में हर चौथे महीने प्रत्येक किसान के खाते में 2000 रुपये प्रधानमंत्री जी के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। हम बोल देखें ना अपने विकास खंड में कितने ऐसे किसान हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कितने किसानों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है, केसीसी की क्या स्थिति है, हम इसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। और अगर आपके उस विकास खंड में कोई इंटर कॉलेज है, कोई डिग्री कॉलेज है, वहां साइंस है, केमिस्ट्री की लैब होगी, बायोलॉजी की लैब होगी, आप वहां बोलिए ना उन बच्चों को, उस स्कूल के प्रबंधन से, गवर्नमेंट का स्कूल है उनसे बोलिए कि इसमें थोड़ा सा और सहयोग वे लोग कर लें तो वहां पे सॉयल हेल्थ की भी लैब के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कृषि विभाग के लोगों के साथ उनका संबंध जोड़िए, उनको बोलिए कैसे आप इस कार्यक्रम को कर सकते हैं, ये सभी चीजें उनको, और फिर फसलों की विविधता एक किसानों की आमदनी को बढ़ाएगी, सब्जी की खेती उनकी आमदनी को बढ़ाएगी, बागवानी उनकी आमदनी को बढ़ाएगी। हमें ऐसे कौन से तरीके अपनाने हैं जो कम खर्चे में अच्छा उत्पादन किसान को उपलब्ध करवा सकता है, कृषि विभाग के लोग इसके लिए तैयारी करें, इसमें हम कर सकते हैं। हर विकास खंड में फाइनेंशियल इंक्लूजन में, वित्तीय समावेशन में हम लोग वहां पे रोजगार मेला लगा सकते हैं, और इसके लिए हम बीडीओ से बोलें, सीडीओ से बात करें, और फिर उनसे बात करें कि बैंकर्स के साथ बैठक करके हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर तीसरे महीने कोई ना कोई बैंक एक रोजगार मेला लगे उस विकास खंड के युवाओं के लिए या उस विकास खंड के अन्य लोगों के लिए। उसका सेक्टर चिन्हित कर लीजिए, उसमें महिलाएं भी लोन लें, युवा भी लें, जो पहले से व्यापारी हैं वे लोग भी लें, और किस कार्य के लिए चाहिए उनको ये चिन्हित होना चाहिए, उसके लिए पहले से उसका ट्रेनिंग का प्रोग्राम चले, कुछ ना कुछ चले। वित्तीय समावेशन का कनेक्टिविटी को देखना चाहिए, कनेक्टिविटी की क्या स्थिति है, नहीं है तो संबंधित विभाग के साथ सीडीओ के साथ बैठक करके बोलना चाहिए कि फलानी जगह जाने का रास्ता नहीं, पुल नहीं है, या फलाने कार्य की आवश्यकता है, फलाने भवन की आवश्यकता है। ये चीजें अगर आप वहां उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेते हैं, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। हर बार एक चीज को, लेकिन निरंतर भ्रमण करना होगा विकास खंड के हर गांव में। आपका प्रयास हो कि महीने में 30 दिन है, प्रयास होना चाहिए कि 30 दिन में कम से कम 30 ग्राम पंचायत तो आपसे कवर हुई हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगर ज्यादा गांव हैं तो हर ग्राम पंचायतें ज्यादा होंगी, हमारा प्रयास होगा कि अलग अलग बार हम अलग अलग गांव के अलग अलग मजरे में भी भ्रमण करें, देखें वहां की स्थिति क्या है, वहां की सामाजिक, वहां की आर्थिक, वहां की जैव पारिस्थितिकी क्या है, वहां की पर्यटन संभावनाओं को कैसे आप विकास कर, कैसे आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर कोई देव मंदिर है, कोई तीर्थ स्थल है, वहां पे अच्छे गाइड हो, अच्छी व्यवस्था हो, उसका विकास हो, वहां की साफ सफाई की व्यवस्था के लोग स्थानीय स्तर पर प्रयास कर सके, बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का सृजन का भी एक माध्यम बनेगा। उसके लिए पहले से गांव के लोगों को बोले भाई कहाँ पार्किंग होनी है, कहाँ पे प्रसाद आदि फूल आदि की व्यवस्था होनी है, गंदगी लोग ना करें इसके लिए कैसे व्यवस्था हो सकती है, हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे इसके लिए भी कैसे व्यवस्था हो सकती है। ये चीजें अगर आप आगे बढ़ाएंगे बहुत कुछ आप कर सकते हैं, और आपके पास एक अवसर होगा जो मैंने पहले भी कहा कि आप 2-3 साल के बाद आपका मूल्यांकन जब प्रारंभ होगा सही मायने में, आपके पास तब तक एक बहुत सारी समृद्ध लाइब्रेरी आपके पास स्वयं की भी होगी। लाइब्रेरी की बात कर रहे थे, हर बार हम हर छात्र को, हर बच्चे को फ्री में पुस्तकें देते हैं, कितना अच्छा होगा कि जब वो बच्चा स्कूल से जाए तो उससे बोलेंगे जो किताब तुम्हें स्कूल से मिली है कम से कम उस किताब को वापस दे दो,
जिल्द के साथ दे सकता, ठीक नहीं लगता तो स्वयं भी जिल्द लगवा करके और बुक बैंक उसी स्कूल के अंदर बनवा दो, जिससे को नए बच्चे आते तो जब तक उनको नई पुस्तकें मिलती हैं तब तक वह उन पुस्तकों का इस्तेमाल कर सके। पुरातन छात्रों से बोले कि भाई इन बच्चों के लिए कुछ पुस्तकें दान कर दो, कोई स्मार्ट क्लास बना सकता है, एक नई लाइब्रेरी आप अपनी खड़ी कर सकते हैं, हर ग्राम पंचायत में खड़ी कर सकते हैं। हमें प्रेरक के रूप में काम करना पड़ेगा, एक योजक के रूप में काम करना पड़ेगा। एक योजक के रूप में अगर आप कार्य करना प्रारंभ करेंगे बहुत कुछ आप परिवर्तन ला सकते हैं। और मेरा मानना है 3 साल नहीं, मात्र 2 वर्ष में हम इन आकांक्षात्मक जनपदों को विकास की प्रक्रिया में स्टेट एवरेज से आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कितनी स्कीम सरकार की, जो मैंने बोला ये सब सरकार की स्कीम पहले से चल रही है, केवल इनको जोड़ना है। सब कुछ स्कीम जमीन पर भी है, जोड़ने का काम नहीं हो पाता है, सबकी अपनी व्यस्तता है। उसमें अगर हम एक योजक के रूप में उनको आपस में जोड़ दें, एक समन्वय बना लें, कैसे हमने किया, इंसेफ्लाइटिस पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जनपद की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंसेफ्लाइटिस से मौतें कुशीनगर में होती थी, सबसे ज्यादा मौतें होती थी। योजनाएं थी लेकिन योजनाओं को सही ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने की समस्या थी, नहीं उतर पाती थी। कागजों में से भी योजनाएं थी, हम लोग 2017 में सरकार बनी, वो तब तक उस बीमारी को 40 साल हो चुके थे और इन 40 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने 50,000 से अधिक बच्चों को खोया है। लेकिन जैसे ही हमने अंतर विभागीय समन्वय से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज इंसेफ्लाइटिस समाप्त हो चुकी है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस समाप्त। मैं अभी गोरखपुर गया था, मैंने वहां के डाटा लिए, जापानी इंसेफ्लाइटिस के केवल 4 मरीज आए थे, 2 की मौत हुई थी, उनमें से एक बिहार का था और एक महाराजगंज का था, अनुमान कर सकते हैं 2 बच्चों की मौत। नहीं तो इस सीजन में वहां 500 से 600 बच्चों की मौत होती थी। ये चीजें दिखाती हैं कि थोड़ा प्रयास करेंगे समाज खड़ा होता है साथ में, और हमें अपने को उस रूप में प्रस्तुत करना है और उसके साथ लिखने की भी आदत डालनी है। अच्छा एक शोध प्रबंध आपका तैयार हो सकता है, अच्छा शोध प्रबंध आपका तैयार हो सकता है ग्रामीण व्यवस्था पर, संबंधित विकास खंड के सामाजिक आर्थिक भौगोलिक स्थिति के बारे में, उसका पहले उसके बारे में आप लिखिए, फिर वहां की चैलेंजेस क्या 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 हैं उनके बारे में, फिर उनका समाधान का रास्ता कैसे कैसे आपने निकाला है। देखिए यह एक डॉक्यूमेंट होगा नियोजन विभाग के लिए भी, नीति आयोग के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी। और आप सब पढ़े लिखे हैं, आपको लिखने की भी आदत डालनी पड़ेगी। आपको टैबलेट इसलिए दिया गया है कि आपको बार बार किसी अन्य चीज की आवश्यकता ना पड़े, फटाफट अपने कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ा करके आप लोग रुचि के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें। और सरकार ने पहले ही कह रखा है 3 साल के अपने इस पूरे टेन्योर को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाइए, ये आपकी सबसे अच्छी ट्रेनिंग है। सरकार अपने विभागों में भी इस बात की फिर व्यवस्था करने जा रही है कि जो सफलतापूर्वक अपने टेन्योर को पूरा करेगा अपना शोध प्रबंध भी प्रस्तुत करेगा। हम एज में रिलैक्सेशन के साथ साथ सरकारी नौकरी में भी फिर उनको यहां पर प्रदेश के अंदर वेटेज देने जा रहे हैं, और उसके लिए आपको अभी से अपनी तैयारी करनी चाहिए कि हमें अपने शोध प्रबंध को इसके साथ ही तैयार भी करना है। और उसमें बहुत अच्छा होगा कि जिस विकास खंड में आप हैं उस विकास खंड के अंदर क्या 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 वहां की सामाजिक वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, कितने की वहां की आबादी है, वहां की जनसांख्यिकी की क्या है, वहां की सामाजिक स्थितियां क्या हैं, आर्थिक स्थिति पे भी एक कुछ हमें वहां पे देखना चाहिए, उसके बारे में लिखना चाहिए, जो डाटा है उन सबको भी अवलोकन करना चाहिए। और फिर उसके बारे में आप जब गए थे किस तिथि में गए थे, क्या क्या चैलेंजेज आपके सामने थे, कौन कौन से सेक्टर में आपको कार्य करना था, उसके क्या क्या इंडिकेटर दिए गए थे,
कैसे आप लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, कैसे टीम वर्क के परिणाम सामने आते हैं, और फिर उसमें आप लिखना शुरू कर देंगे तो 200, 300, 500 पेज का एक बहुत अच्छा शोध प्रबंध आपका तैयार हो सकता है। और फोटोग्राफ के साथ दें, फोटोग्राफ के साथ अगर आप उसको देंगे, डायग्राम बना करके अगर आप उसको देते हैं, बेहतरीन तरीके से आपकी प्रस्तुति होगी, उसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप उन चीजों को उस रूप में प्रस्तुत करते हैं तो शोध प्रबंध आपको एक नई पहचान कर देगा, आपके पास नौकरी की कमी नहीं रहेगी, लोग आपको एक सुधारक के रूप में देखेंगे, लोग आपको एक रिफॉर्मर के रूप में देखेंगे, और उस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला जो आकांक्षात्मक जनपद है, उन सबको आज यहां पर उन्हें न केवल सम्मानित किया गया बल्कि एक वर्ष के लेखे जोखे को भी इन आकांक्षात्मक विकास खंडों की जो प्रथम वार्षिक रिपोर्ट है उसका भी विमोचन का कार्य यहाँ पे संपन्न हुआ है। आज यहाँ पर जिन विकास खंडों को यहाँ पर आज सम्मानित किया गया है उसमें खासतौर पर जो विकास खंड इनमें है, जिनमें कुशीनगर का बिशुनपुरा विकास खंड, मुझे याद है कि कुशीनगर जनपद की जब मैं बात करता हूं तो बहुत वैसी स्थिति है, क्रिटिकल गैप योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है आकांक्षात्मक जनपदों के लिए, और इसमें ओवरऑल डेटा रैंकिंग में विकास खंड बिशुनपुरा जनपद कुशीनगर को 2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई है। चिकित्सा और पोषण में जिस विकास खंड ने अच्छा काम किया है वह बरेली का मझगांवा है, इन्हें 60 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। शिक्षा में विकास खंड बजीरगंज बदायूं को 60 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। कृषि एवं जल संसाधन में विकास खंड भीटी अंबेडकर नगर को 60 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। वित्तीय समावेशन में और कौशल विकास में विकास खंड फतेहगंज बरेली को 60 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। और आधारभूत अवसंरचना में विकास खंड सुहाव बलिया को 60 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि आज यहां पर उपलब्ध कराई गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग को और बेहतर बनाने में आप सभी लोग अपने स्तर पर प्रयास करेंगे, और जो मैंने आपको बताया निरंतर अपने स्तर पर प्रयास करना है और फोकस करना, किसको देखना किस सेक्टर में आपका विकास खंड सबसे कमजोर है और किसमें अच्छा है, दोनों में एक साथ अगर आप कार्य करना प्रारंभ करेंगे, अलग अलग माह के लिए अलग अलग टारगेट तय करने की कार्रवाई अगर आपके स्तर पर प्रारंभ होती है तो उसके बेहतर परिणाम होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सबके प्रयास से हम लोग जो विभाग 14 विभागों ने इस पर कार्य प्रारंभ किया है, हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश के अगर इन 100 विकास खंडों को जो अब तक आकांक्षात्मक थे, विभिन्न क्षेत्रों में पीछे थे, उन सभी को अगर हम लोग सामान्य विकास खंडों की श्रेणी में ला करके स्टेट एवरेज से अच्छे प्रदर्शन की श्रेणी में ला के खड़ा कर देते हैं तो उत्तर प्रदेश की न केवल विकास की दर में बढ़ोतरी होगी बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में, उस सपने को साकार करने में भी अपने स्तर पर योगदान दे पाएंगे। आपके इस पूरे प्रयास के लिए एक बार फिर से आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।